और देश भर में कोरोना विस्फोट का दूसरा रफ्तार किस तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि ये दूसरा दौर है जो कि रफ्तार पकड़ता दिखाई देता है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,846 नए केस मिले हैं, जबकि 197 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अकेले महाराष्ट्र का जिक्र करें तो एक दिन में 30,535 नए केस सामने आए और 99 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान तक गंवाई। कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? देश में कोरोना महामारी फिर से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। लगातार कोरोना के केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना की रफ्तार अब भारी पड़ने वाली है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें से महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में सबसे अधिक केस मिल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में ही 1,00,000 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,535 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 99 लोगों की मौत हुई है। नागपुर में लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। गुजरात और पंजाब के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान कई राज्यों ने स्कूल और कॉलेज को भी बंद करने का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 32 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते केस के बाद गहलोत सरकार एक्शन में आ गई है, जिसके चलते राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब आपको नागपुर का हाल दिखाते हैं, जहां होली लॉकडाउन में ही बीतने वाली है। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। हालांकि फल सब्जी समेत जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। बात करें कोरोना केस की तो पुणे में फिलहाल 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब में भी एक दिन में सर्वाधिक 39 लोगों की मौत हो गई, जो कि इस साल में सबसे ज्यादा है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों में टाली जा सकने वाली सर्जरी पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। इसके अलावा लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, रोपड़, मोगाइन, मोहाली, अमृतसर, SBS नगर और फतेहगढ़ साहिब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। फिलहाल कोरोना को लेकर हालात लगातार बेकाबू होते दिख रहे हैं। लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। इसी तरह की लापरवाही कोरोना को दावत दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन।